जो इनकम अर्न होती है कमाते हो, फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम घर पे भी कर सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स में एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल मतलब राउंड वाला सर्कल नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो उस लोगों में सबके पास फ़ोन है, ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है, राइट। तो ये स्मार्टफोन में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं रिपेयर में देते, मे बी बिनानी डेरी को मैं देते, राइट। वो बिनानी डेरी को मैं ना देते, वो आपको दे, आप करके दे, वैसा कुछ हो सकता है। ऑब्वियस है घर वाले हो तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो चार्ज आपको लेना है उनसे, मेरे काका है, मेरे मामा है, मेरे पड़ोसी है, या रिलेटिव से, या फ्रेंड सर्कल है। तो इससे आपकी जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है। जैसे मैंने अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है 3 साल, वैसे आप भी अपना स्ट्रक्चर इस चीज़ से कर सकते हो। फिर वापस उसको ब्रेक मारना हो तो ब्रेक मार सकते हो कभी भी, 12th में 1 साल कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने मेरे TY में सारे ये वर्क स्टॉप किए थे। मुझे शॉपकीपर की कॉल आते थे कि ये काम है मेरा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बाद में आप किसी और को दे दो या मैं उनको कोई ऑप्शन नहीं देता, राइट। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो बट एट प्रेजेंट नहीं, लेकिन आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। और ये सिंस 2004 है, सेकंड स्लाइड। इंग्लिश कितने लोगों को पढ़ने आता है एकदम फ्लुएंट? इंग्लिश मीडियम से कितने लोग हैं? सो फर्स्ट इज फाउंडर ऑफ वीरानी टेलीकॉम, चेतन वीरानी, विथ मी सिंस 2004। वी हैव 7 ब्रांचेस। We have more than 60 skilled professional staff in repairing and training, right? We repair all kinds of gadget, iPhone, Samsung, Sony, Motorola. We repair PC, laptop, camera as well. Second slide. Virani Institute, training partner, National Skill Development Corporation. मतलब हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं कि अगर कोई कोर्स करता है तो उनको एक सर्टिफिकेट रिलीज होता है और वो सर्टिफिकेट के थ्रू कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए और हम भी काफ़ी जॉब की, हमने भी काफ़ी जगह पे सैमसंग, मोटोला, सोनी, माइक्रोमैक्स में हमने ओपन रखे जॉब के पॉसिबिलिटी, जो किसी को पोस्ट करके अगर वहाँ लगना है तो हम लोग हमारे रेफरेंस से असिस्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोग्राम कंडक्टेड एट वीरानी इंस्टीट्यूट आर NSDC। NSDC का फुल फॉर्म आपको ऊपर ही बताया, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंड सेक्टर स्किल काउंसलिंग सर्टिफिकेट युवा परिवर्तन। ये एक लार्जेस्ट NGO है जिसके साथ हमने टाइप किया है और इनका भी एक सर्टिफिकेट आता है। नेक्स्ट वाइज अवर स्ट्रेंथ, अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, अवर स्ट्रेंथ ये काफ़ी बड़ा है, आप ट्राई कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें आपको बताया कि कहीं रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ से असिस्ट करके जॉब के लिए आगे कर सकते हैं। टोटली क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट सीख के जाता है, कोई हमारे 5-6 साल जूनियर भी स्टूडेंट आते हैं, तो हम उनको आगे का क्या स्ट्रक्चर मार्केट में, आज सब ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, पहले क्या था, मेरे ख्याल से आप थोड़े पीछे हो अभी, मतलब डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे आए हो। जब हम थे तो हमारे टाइम पे मोबाइल्स, पेजर, ये सब मुश्किल से मिलते थे, हज़ारों में से एक के दुख के पास। बट अभी तो कैसा है कि आप आए डायरेक्टली मोबाइल आ गया, वैसा है तो अब डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के जनरेशन में। फिर भी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रही है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है। आज जो आप सोचते हो पॉसिबिलिटी हो जाती है, आप जो सोचते हो अपने माइंड में वो हो सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। वाई इट्स गोस इज बेस्ट फॉर यू, न्यू अपकमिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन हमारे पास, जैसे मैंने वीडियो में बताया जो मशीनरी है यहाँ। एक बात सुन के आपको नहीं लगेगा, वो ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ वीरानी टेलीकॉम के पास है। सैमसंग सर्विस सेंटर में है बट प्राइवेट में इन इंडिया लेवल किसी के पास नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब आप थोड़ा सा पैसा डाल के आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मैं खुद का टैलेंट। अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लम्बर आया $100 लेके गया विजिट चार्ज, दूसरा कोई आया $100 लेके गया, तो लोग डरते हैं उनको बुलाने से।
डरते क्यों है, सिर्फ विजिटिंग चार्ज ही $100 आ लेके गया, मतलब हमारा इंडिया का 5000, उसका एक बार घर पे आने का 5000 रुपीज़ चार्ज, बाकी में काम करेगा वो अलग। तो प्रोफेशनल लोगों को बुलाने के लिए डरते हैं, मतलब बुलाना है तो ही बुलाते हैं, अदरवाइज नहीं बुलाते। तो वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उनके पास भी होते हैं वहाँ पे, तो वो लेबर वर्क वहाँ पे महंगा है। वास्ट करियर, अ स्मार्टफोन हैज रिप्लेस लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, हेल्प यू टू बी टच विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक स्पेशल डिस्काउंट फॉर आतिश देवानी क्लास हमने रखा था, अभी के लिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, इसकी डेट भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आपको मैं टिल आपके वेकेशन तक का ये कर देंगे, हम इसको डेट चेंज कर देंगे आपके लिए। ऑल कोर्स और फॉर सीनियर सिटीजन, एबनॉर्मल और हैंडीकैप, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट सीखे गए जिनका मतलब चलने का प्रॉब्लम होता है, चल नहीं पाते बराबर, जिसके दोनों पैर नहीं होते हैं, हमने उनको 3 महीने तक सीढ़ी चढ़ा के क्लास में रखा। और ये उन्होंने एक शर्त रखी थी हमसे हैंडीकैप ने कि अगर आप मुझे क्लास तक लेके जाओगे तो मैं एडमिशन लेता हूँ। बोला हाँ लेके जाएंगे। तो ये कमिटमेंट जल्दी से कोई करता नहीं है, क्योंकि 3 महीने तक वो जो स्टूडेंट भी थे मेरे ख्याल से 90 kg के आसपास का वेट था उनका, हेवी थे, तो हम 3 से 4 जन उसको डेली उठाते थे सीढ़ी पे। आपके अगर यहाँ पे देख सकते हैं मूवी जम के पीछे हमारा शॉप साइड से दो ही जन ने है तो देखा होगा, वहाँ पे स्टेप्स है, स्टेप चढ़ाते थे उनको वापस, और जो डोर भी था वो नीचे से झुक के जाना होता था, फुल ओपन नहीं था, उनको डालना सीट पे बिठा के सरकाना, ये सब हमने 3 से 4 महीना उनके लिए किया। क्योंकि हमारा एक रीज़न था कि उनको सीखने की इच्छा है तो हम क्यों मारे उनकी सीखने की इच्छा, उनको इतनी इच्छा है आगे बढ़ने की सीखने की, और इनफैक्ट उन्होंने अच्छा सीखा भी और उनका हाथ भी कांपता था काफ़ी, जितना हमसे एफर्ट हो सकता था हमने किया उनके लिए, और उनका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ जो ऑनलाइन पोर्टल होता है और एक PCO जैसा होता है वो उनको ओपन करके दिया था गवर्नमेंट ने, और उनको ये फ़ोन सीखना उनके अंदर की खुद की इच्छा थी, जबकि उन्होंने हमारा गूगल से कि कहीं ऑनलाइन से जस्टाइल से सर्च करके हमारे पास आए थे। तो एक कंडीशन रखी थी, इनफैक्ट मैं तभी था वहाँ पर अवेलेबल, तो अच्छा था कि मैंने अप्रूवल तुरंत ऑन द स्पॉट दे दिया। मेरे स्टाफ ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसी एक कंडीशन है इनकी, इनको एडमिशन देना है, बट ऐसी एक कंडीशन, मैंने ऑन द स्पॉट एक बार भी नहीं सोचा, मैंने बोला डन कर दो, फिर मैंने नहीं सोच, मैंने ये भी नहीं सोचा कि क्या वजन होगा क्या वेट होगा, ठीक है वो हमें इतना हैवी नहीं लग रहा था, बट उनको सीखने की जो इच्छा थी वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो हमने उनको ये वहाँ पे किया। इसके लिए वो चीज़ें सो हरी रजिस्टर वो आप लेने दीजिए, और ये नंबर है आप नोट डाउन कर सकते हो अपने बुक में या जहाँ पे कहीं लिखे, आप किसी और को रेफरेंस दे देंगे। क्योंकि नीडी पर्सन होते हैं बहुत, मेरे वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जिसकी फीस कोई और भरता है और सीखता कोई और है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं काम तो कोई उसकी फीस भरता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी फीस कोई और स्पॉन्सर करता है। बुक के मोस्ट ऑफ दी लास्ट पेज पे लिखते हैं, होमवर्क के बीच में मत लिखते हैं या फिर मैं पेन करता हूँ गर्मी में। ठीक है, और एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन भी है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से 2 मिनट से 3 मिनट लगे, जब आप एग्जाम में पेपर लिखने बैठते हो तो इतना टाइम पास तो नहीं करते, मेरे ख्याल से निकालना और निकालना, ये 3 घंटे का टाइम होता है पेपर का। मैंने स्कूल छोड़ के 16 साल हो गए, 16 इयर्स, तो फिर बहुत कुछ सारे चेंज हो गए। थैंक यू फॉर आप लोगों का, आप लोगों ने शांति से सुना हमें, एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे मैं खड़ा है कि आपको कुछ बोल सकूँ, और होप कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ तो थोड़ा चेंज लाओगे और कुछ अप्लाई करके कल से ही अपना शेड्यूल सेट करोगे बुक में कि मुझे मॉर्निंग को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है। टीवी को जितना पॉसिबल हो स्किप करो, जितना पॉसिबल हो, टीवी को उठा के बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैमिली वाले आपको फेंक देंगे। सो टीवी जितना स्किप कर सके उतना कीजिए।
ये बहुत बेटर है। मैं अभी भी कभी कभी ऐसा होता है 6-6 महीने तक टीवी को स्किप कर देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी रीजन पे काम करना है। मैं टीवी को फिर बाहर अमेरिका में फॉर्म फूटा कि नहीं फूटा, वहाँ से वो वहाँ गया कि नहीं गया वो नहीं पता होता। लोग बातें करते हैं कि इंडिया जीत गया, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। कितने लोग शेड्यूल बनाएंगे, होपफुली कि सबके हाथ ऊपर होने चाहिए इसके लिए। तो कुछ नया करके दिखाओगे लगना चाहिए क्या हुआ अचानक, नहीं भी हो तो भी अंदर से कुछ अंतरात्मा जागनी चाहिए कि कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आके धक्का मारे तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, धक्का ना मारे तो भी मैं आगे जाऊंगा, राइट। अभी एक लास्ट सेशन कि किसी को कुछ क्वेश्चन या किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ आप करना है। अच्छा क्वेश्चन बाकी सब भी सेम सी है। इंटर तो डिस्कशन चालू हो गया, कभी जाए पकाना बंद कर रहा हूँ।